हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मंगुम वेंचर कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस कंपनी की शेयर प्राइस 14.50 रुपये है, एक पेनी स्टॉक है जिसमें आज के दिन 2.5% की तेज़ी देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 2% के नेगेटिव रिटर्न दिए, 1 महीनों में 14% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 6 महीनों में 22% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल में ऑलमोस्ट 90% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 25% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 72% यानी 72% के नेगेटिव रिटर्न दिए। ऑलमोस्ट 60 रुपये का स्टॉक आज 14.50 रुपये पे देखने को मिल रहा है। तो क्या ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जी दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 53 करोड़ का है। स्टॉक का लो 6.80 रुपये, स्टॉक का ही 16.80 रुपये, बुक वैल्यू नेगेटिव हमें देखने को मिला 1.75 रुपये। पी की बात करें तो 4.91 पी है, आरओसी 4.28%, रिटर्न ऑन इक्विटी का डेटा अवेलेबल नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। और डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे 235 करोड़ का डेप्ट है, प्रमोटर होल्डिंग 53% की है, उसमें से ऑलमोस्ट 70% के शेयर्स प्लेज है। और ये जो कंपनी है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पेपर्स एंड ऑपरेटिंग इन होटल इंडस्ट्रीज में वर्क कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो प्रॉफिट है काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला, 4 करोड़ से 45 करोड़ का प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि काफ़ी टाइम से कंपनी को लॉस देखने को मिला था। यहाँ बात करें कंपनी के रिजर्व्स की तो कंपनी के रिजर्व्स हाल में ही नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट जो रिजर्व्स हैं उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी ऑलमोस्ट 89 करोड़ का जो रिजर्व्स है नेगेटिव है, अब यहाँ पे 44 करोड़ के जो रिजर्व्स है वो नेगेटिव है। इसी के साथ साथ कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, 235 करोड़ का। यहाँ बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर्स के पास 53% के स्टेक्स है, बाकी प्रमोटर होल्डिंग 46% हमें पब्लिक देखने को मिली है। अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो जिस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है, रिजल्ट्स नेगेटिव है और बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो छोटी कंपनी के शेयर्स को आप अवॉइड कीजिए जहाँ तक हो सके। अगर नए इन्वेस्टर्स हो तो आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो बजाय पेन स्टॉक्स में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।